गाना था इसका पहला गाना मैं निकला हूँ गड्डी लेके, वो गाना सुनने में जो मजा आया ना भाई, उसके साथ साथ जितने भी गाने थे सब में मजा आया भाई। वही सीन यार जब वो हिंदुस्तान जिंदाबाद वाला जो डायलॉग यार मजा आ गया, तो वो एक सीन था। वो सॉन्ग है जो गराजा परदेसी माइंड ब्लोइंग, जितने भी सॉन्ग है ना सच में बोले दिल को छुए। अशरफ अली का जो डायलॉग जो किए ना, हिंदुस्तान जिंदाबाद है तो हमारा हिंदुस्तान क्यों नहीं जिंदाबाद है, ये जो माइंड ब्लोइंग जो किए ना। फुल पैसा वसूल, फिर से उन पलों को याद किया, हाँ, कि हाँ, किया कि नहीं? हाँ, पुराने पलों को याद किया। ऐसा कौन सा डायलॉग है जो सबसे ज्यादा पसंद आएगा? सब अच्छा, बहुत अच्छी। कैसे लगी फिल्म 22 साल के बाद बड़े पर्दे पे देखकर? एकदम माइंड ब्लोइंग यार। पहले जो मजा आ रहा था ना उसका डबल मजा अब भी आया देखने में। पहले तो मोबाइल में अपने को देखने को मिला था, बट इस बार जो देखने को मिला ना इसमें माइंड ब्लोइंग यार। क्या बात है, सही बात। अरे एकदम एकदम सेम पावर उसे जैसे चाहिए, पहले वो पूरा भरे हुए पावर। क्या बात है, सब का काम वगैरह एकदम सब सब सुपर्ब है। सॉन्ग है जो गराजा परदेसी माइंड ब्लोइंग, जितने भी सॉन्ग है ना सच में बोले दिल को छुए ऐसे सॉन्ग। हम लोग छोटे पर्दे पे इस फिल्म को देखा है, कितना उन सारे पलों को एंजॉय किया आपने फिर से एक बार बड़े पर्दे? अरे रिटर्न देखा ना दिल खुश हो गया। ऐसी मूवी अभी तो बहुत कमी आ रही है, इसका जो सेकंड आ रहा है अगस्त में आ रहा है, बट वो भी बवाल मचाएगा। क्या लगता है इस फिल्म में ऐसी कौन सी खास चीज है जिस जिन जिन चीज़ों ने इस फिल्म को उस पर इतना सुपर डुपर हिट किया था? जो इसका कल्चर है जो आज के मूवी देखे और सब मतलब फैमिली के साथ नहीं देख सकते, जो ये मूवी एकदम पूरा वॉचेबल है और रियलिटी को शो करता है, और जो एक्शन जो सीन के एकदम माइंड ब्लोइंग है, मानना पड़ेगा। मूवमेंट है या फिर एंजॉय फिर सीन है जो सबसे ज्यादा आपने फिल्म के दौरान? अशरफ अली का जो डायलॉग जो किए ना, तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद है तो हमारा हिंदुस्तान क्यों नहीं जिंदाबाद है, ये जो माइंड ब्लोइंग जो किए ना एकदम माइंड ब्लोइंग है, एकदम सुपर मूवी। अगर इस फिल्म के लिए स्टार देना चाहेंगे तो 4.5 स्टार माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सर, थैंक यू। 4K वर्जन एक नंबर, ये लोग ने काम किया। 4K वर्जन जो बना है ना मानना पड़ेगा, प्लस डॉल्बी साउंड, एक नंबर मजा आ गया। यानी गदर ने गदर मचा दिया पूरी फिल्म में, इतना मजा आ गया। 22 साल के बाद कौन कौन से रियली मोमेंट्स आपने री एंजॉय किए उसके बारे में क्या कहना रहेगा? 22 साल के बाद यार मैं टीवी पे देखा था ऐसा, पर जो थिएटर में देखने का जो मजा यार, जो गाना था इसका पहला गाना मैं निकला हूँ गड्डी लेके, वो गाना सुनने में जो मजा आया ना भाई, उसके साथ साथ जितने भी गाने थे सब में मजा आई। और सनी पाजी का यार क्या बोलूँ मैं, दिल खुश कर दी उन्होंने। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो चीज़ों ने इस फिल्म को उस वक्त इतना सुपर डुपर हिट किया था जो अभी के पिक्चर में? भाई पूरी फिल्म एक तो प्योर लव स्टोरी है ना, स्किन शो ज़्यादा कुछ नहीं, प्लस हीरोइन की एक्टिंग, हीरो की एक्टिंग, प्लस वो जो बच्चा उत्कर्ष शर्मा उनका नाम है, अभी तो बहुत बड़े हो गए हो, यानी ये सब चीज़ें जो स्टोरी सब चीज़ प्लस पॉइंट है यार। अगर वैसी मूवी अभी के टाइम पे आई ना यार बहुत चलेगी। ऐसा कौन सा पर्टिकुलर सीन या फिर पर्टिकुलर मोमेंट जो आपने पूरे फिल्म के दौरान एंजॉय किया फिर डायलॉग पाजी ऐसी कुछ? भाई वही सीन यार जब वो हिंदुस्तान जिंदाबाद वाला जो डायलॉग यार मजा आ गया, तो वो एक सीन था ना ऐसा कि उसको कितने भी बार देख सकते हो, उसको मैं अभी भी मोबाइल में टीवी में लगा के देखते रहता हूँ यार वो सीन, मजा आ। अच्छा, रिसोर्सेज का कहना ये है कि इस फिल्म के एंड में गदर 2 का टीजर अटैच किया है। भाई वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, एंडिंग में देखना, मेरे को ऐसा लग रहा था अंदर से कि कुछ तो देना चाहिए था ताकि वो रिफ्रेश हो जाए यादें, तो लास्ट में टीजर दिया हल्का सा, देखना जरूर दोस्तों, एक नंबर यार। क्या बात है, क्या लगता है लोग फिर से एंजॉय करेंगे 22 साल के बाद? अरे भाई पर्दे पे आ रही है, आराम से एंजॉय करेंगे यार, इसमें कोई वो नहीं है, गारंटी के साथ एंजॉय करना ही करना, क्योंकि सनी पाजी सेम है, बस थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि अमीषा पटेल नहीं रही, मतलब जो पोस्ट क्रेडिट सीन में दिया है कि वो नहीं है, उस वजह से थोड़ा सा बस समझ लो। चलो ठीक है, बाकी यार मजा आ गया। 5 में से 5 भाई, भाई मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, जाओ मूवी देखो, फैमिली के साथ देखो यार, बिंदास एक नंबर मूवी बनाया है। क्या बात है, समझ रहे हो, एक नंबर। थैंक यू। चलो।